हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है 7 जुलाई को आपका पेपर होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो क्लास है वो करवाई जा रही है। प्यारे साथियों, आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे तो मान के चलिएगा आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। प्यारे साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। प्यारे साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हमेशा अपने पास एक कॉपी और एक कलम जरूर रखा करिए, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल जाए उनको तुरंत नोट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 61 पर। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? 61 का राइट जवाब आपको देना है। सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना करके, बिल्कुल सही है। तो विपक्ष का काम ही होता है सरकार की आलोचना जमकर करना। जनमानस की राय को व्यक्त करके, बिल्कुल सही है। जनमानस की क्या समस्या है उसको सरकार के सम्मुख रखने का काम विपक्ष का होना चाहिए और बहुत बहुत मजबूती से रखना चाहिए। सत्ताधारी दल की निरंकुशता पर रोक लगाकर, बिल्कुल ये भी सही है। संसद में बाधाएं डालकर नहीं भैया, ये बाधा डालने से कोई काम नहीं होता है, आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। 62 क्या कह रहा है, भारतीय और विदेशी कंपनियों दोनों के द्वारा बड़े शहरों में कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए भारत एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है, इसके पीछे के संभावित कारण क्या है? आपको 62 का राइट जवाब देना है। तो क्या है भैया, कम श्रमिक लागत, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी बोलने वाली आबादी, ये भी सही है। और सुविधाजनक समय क्षेत्र, ये भी सही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये गलत है। आपका राइट जवाब पहला हो जाएगा, ए बी और सी आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। 63 कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में खेती के अलावा होने वाली गतिविधियों के सही सामूहिकरण की पहचान करना है और 63 का राइट जवाब देना है। घड़े बनाना, टोकरी बुनना, ईंट बनाना, पहला ही आपका सबसे बढ़िया राइट जवाब हो गया। चलिए अब अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पर। कह रहा है, लोकतंत्रों की प्रमुख विशेषता की पहचान करें और 64 का राइट जवाब दें, क्या होगा? तो लोकतंत्र की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो होती है भैया समानता। क्या होती है? समानता। ठीक है, चलिए अगला है 65 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो रहा है आपको बताना है। तो 65 का आप लोग राइट जवाब कमेंट करिए फटाफट, 65 का राइट जवाब कमेंट करिए। कह रहा है महिलाओं, कमेंट करिएगा जिसको आता है। कह रहा है महिलाओं के संपत्ति अधिकार, हिंदू अधिकार अधिनियम 2005, तो ये बिल्कुल सही है। लड़कियां शर्मीली होती हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता, बिल्कुल सही है। सहभागी लोकतंत्र, पंचायत राज प्रणाली व्यवस्था, आपके तीनों के तीनों सही हैं, सही मिलान है। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से संविधान का वैध उद्देश्य कौन सा है? तो बताइए भैया, संविधान का वैध उद्देश्य क्या होता है? विषयों की सामाजिक संरचना को परिभाषित करना, नहीं, शासन करने वाले अभिजात वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित रखना, नहीं, नागरिकों के निजी जीवन को निर्देशित करना, ये भी नहीं होगा, अपने नागरिकों के अधिकारों का बचाव करना, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। भारतीय संविधान में ब्लैंक स्पेस के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है, तो भैया 67 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा?
तो जल्दी से कमेंट करिए 67 का राइट जवाब क्या होगा। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर क्षेत्र शब्द नहीं है, इसलिए ए बी सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायपालिका में अपील की व्यवस्था का सही आरोही क्रम है। मेरे भैया आरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे, ये याद रखिएगा। और दिक्कत होगी जिसको कि छोटे से बड़े, तो पहले मुझे ये बता दो छोटे से बड़े कि बड़े से छोटे। आरोही अवरोही दो शब्द होते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखो जब ये हिंदी में कंफ्यूज हो जाओ ना, तो यहाँ एक शब्द अंग्रेजी में लिखा रहता है करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉल टू बिग, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा अर्थात हमारा क्या होता है सत्र न्यायालय, जिसे जिला न्यायालय कहते हैं, फिर उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा 68 का, ठीक है याद रखना। कभी कभी कुछ शब्द आपको कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसको जरूर जो है अंग्रेजी में देख लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन उजागर करते, याद रखिएगा जूठन किसकी आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये पूछा जाता है, और किसका उजागर करती है। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए मेरे भाइयों, ये जातीय भेदभाव का जो है उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं और 70 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 70 का जवाब जिसको आता है वो कमेंट करके जरूर देगा क्वेश्चन नंबर 70 का जवाब, ठीक है। चलिए कह रहा है समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। मणिपुर में विवादास्पद कानून के विरोध में इरोमा शर्मिला आमरण अनशन पर चली गई। ये दोनों जो उपरोक्त कथन के उदाहरण हैं वो किसके हैं, कानून बनाने में लोगों की भूमिका के, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो किसके हैं भैया, अभिशासन में लोगों की जो भूमिका है, जो अभिशासन है आपका उसमें जो लोगों की भूमिका है, क्या ये उससे संबंधित है। तो नहीं भैया ये उससे भी संबंधित नहीं। तो फिर दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के ये विरोध प्रदर्शन से संबंधित है, इसीलिए आपका तीसरा इसमें राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आपका 70 का राइट जवाब क्या होगा मेरे भैया, 70 का राइट जवाब होगा 3। चलते हैं 71 पर और 71 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान अथवा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय के शिक्षा शास्त्रीय उपागम के लिए प्रसिद्ध है। बताइए 71 का राइट जवाब कमेंट करके दीजिए। बच्चे तथ्यों को स्मरण करने के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। स्मरण एक नकारात्मक शब्द है, गलत हो जाएगा। बच्चे संकल्पनाओं की अनुभवात्मक समझ के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। जब बच्चे केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ते तो ये भी तो गलत है। जब बच्चे श्रेष्ठ रूप में तभी सीख पाते हैं जब तथ्यों को संकेत में सरल किया जाता है, ये गलत है, आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों की गणना किस रूप में की जाती है, आपको बताना है। तो किस रूप में की जाती है भैया, 72 का राइट जवाब दीजिए। उसको कहते हैं पश्चगामी। क्या कहते हैं, पश्चगामी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बैकवर्ड्स, ठीक है, इस रूप में की जाती है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा अगला है 73। कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन के विषय पर चर्चा के दौरान स्वतंत्र सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षण रणनीति के अंतर्गत आता है। 73 का राइट जवाब जल्दी से दीजिए। एक तो वो चर्चा के अंतर्गत आएगा और दूसरा आपका प्रश्न उत्तर के अंतर्गत आएगा, प्रदर्शन और निरंकुश गलत है, तो आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा।
निम्नलिखित में से ज्ञान को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में आने वाली कौन सी सामान्य विधियां हैं? आपको 74 का राइट जवाब देना है। तो बाध्यकारी नहीं है भैया, सहभागी है, विषयक है, ऐतिहासिक है, तो बी सी डी आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं और 75 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 75 का राइट जवाब आप लोगों को फटाफट कमेंट करके देना है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं सभी विषयों की विस्तृत व्याख्या देकर। अरे भैया व्याख्या नहीं देना है, अधिक शिक्षण सामग्री नहीं प्रयोग करना है, अवधि परीक्षाओं के आयोजन से नहीं करना है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। बिल्कुल यही हमारा NCF कहता है कि ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ दो। जब बच्चे के ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ दोगे तो उसके सीखने की जो गति है वो सबसे तीव्र हो जाती है और सबसे अच्छे तरीके से बच्चा सीखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं और 76 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित पर शिक्षक द्वारा विचार किया जा सकता है। किस पर शिक्षक विचार करेगा, सही विकल्प का चयन करके आपको बताना है। तो कह रहा है संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल, तो सही है। प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। तो जो आपकी प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु है उसको तो शिक्षण अधिगम का हिस्सा जरूर होना चाहिए। स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना, ये भी सही है। आपका ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। कह रहा है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने के लिए कहती है, वह कौन सा उपयुक्त विकल्प इसमें होगा। 77 का राइट जवाब दीजिए। वह विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र में लिखने के लिए कह सकती है, ठीक है। विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक परियोजना पर काम करने के लिए कह सकती है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को प्रावधानों को सीखने और परीक्षा में भाग लेने के लिए कह सकती, ये वाला गलत हो जाएगा। आपका ए और बी सही है, तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 77 का पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं और 78 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 78 का राइट जवाब आप लोग कमेंट करिए जिसको आता है। कह रहा है निम्न में से कौन सा विधि युवा संसद सत्र जैसे विषयों को पढ़ाने में सबसे उचित है। इकाई विधि नहीं, प्रदर्शन विधि नहीं, आगमनात्मक विधि नहीं, नाट्यकरण विधि या नाट्यकरण तकनीकी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जब आप नाटक करवाएंगे तो बच्चा उसको देखेगा और जब बच्चा उसको देखेगा तो सबसे बेहतर ढंग से उसको सीखेगा। वास्तविक जीवन से जब जोड़ करके वो सीखेगा तो सबसे बेहतरीन सीखता है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 पर। आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्न कथन है और उचित कथनों वाले विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो 79 का राइट जवाब क्या होगा आपको फटाफट कमेंट करना है। चलिए फटाफट कमेंट करिए 79 का राइट जवाब क्या हो जाएगा मेरे भैया, जल्दी से कमेंट करिए जल्दी से। कह रहा है पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है, तो ये बिल्कुल सही है। सीमित सोच और दूसरों के विचारों को खारिज करने वाले होते हैं, ये तो गलत है मेरे भैया। मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर करते हैं, ये भी सही है। ए सी डी आपका सही है, तो दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 80 पर और देखते हैं 80 का राइट जवाब क्या होगा।
आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादन करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। तो 80 का राइट जवाब क्या होगा? 80 का राइट जवाब होगा मेरे भैया आगमनात्मक विधि के तहत। किसके? आगमनात्मक विधि के तहत। चलिए 81 पर चलते हैं और 81 का राइट जवाब देखते हैं। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यताओं और कौशलों में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है? आप 81 का राइट जवाब दीजिए। चलिए अब कह रहा है इसका सही जो विकल्प है वो क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। 81 का कह रहा है एक विशेष ढंग से पढ़ाने पर टिके रहना चाहिए। नहीं भैया, आपको अपनी पद्धति को बदलना पड़ेगा। सामुदायिक संसाधनों का उपयोग और प्रयोग करना ठीक है, फिल्मों और वृत्त चित्रों को दिखाना ठीक है, सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा करना बिल्कुल ठीक है। तो बी सी डी आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं और 82 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए एक पुस्तक में निम्न कथन दिए गए हैं, ठीक है, और उपरोक्त कथन क्या दर्शाते हैं? पहला है रजिया की कमजोरी एक रानी होने के नाते यह थी कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई थी। अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बना दिया। अब 82 का राइट जवाब क्या होगा? पहला कह रहा है जेंडर या लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं ठीक है और बताना है 82 का राइट जवाब और हिंसा को बढ़ावा ठीक है, और उसके बाद क्या होगा आपका इसमें शांति को बढ़ावा और केवल पुरुष ही शासन चला सकते, ये दोनों गलत हो जाएगा। तो आपका राइट जवाब ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए अब राइट जवाब देखते हैं। 82 का आपको पता चल गया ना राइट जवाब क्या होगा, तो ए और बी होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 83 पर और 83 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और जो सही है उसको पहचानिए। कह रहा है अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। बिल्कुल, ये आपको एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया है, पांडुलिपियों में, ठीक है, बताना है। 83 का राइट जवाब कमेंट करिएगा जिसको आता है। पांडुलिपियों में इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है, ये भी ठीक है। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे, ये भी सही है। पांडुलिपियों को संभालना और प्रयोग करना सरल नहीं है बाबू, बहुत कठिन है, को लंबे समय तक रखना पड़ता है। तो आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 84 पर और 84 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? तो जो नहीं है उसी का आपको जवाब देना है। तो 84 का राइट जवाब कमेंट करके फटाक से दीजिए क्या होगा। एक औद्योगिक नगर में प्रवासियों का सर्वेक्षण करना और पूछना कि वे कहां से आए हैं और कहां काम करते हैं। अब ये तो सही है भैया, तो गलत हो जाएगा। नहरों के माध्यम से सिंचाई के क्रियाशील नमूने का निर्माण, ये भी सही है तो गलत हो जाएगा। वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं की सूची को कंठस्थ करना एवं सूचीबद्ध करना निगेटिव है, बस यही आपका सही हो जाएगा। 85 पर चलते हैं, 85 का राइट जवाब देखते हैं। शैक्षिक आकलन से तात्पर्य, शैक्षिक आकलन से क्या तात्पर्य है मेरे भैया? विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन, बिल्कुल यही राइट जवाब है। शैक्षिक आकलन का मतलब होता है कि छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करना, ठीक है।
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ उद्देश्यों में से एक पाठ उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है। तो किस में आएगा भैया? तो एक तो आपका आता है स्मरण करना और एक आता है बोध और समझ। तो सी और डी में आएगा, विश्लेषण और संश्लेषण में ये नहीं आएगा, याद रखिएगा। 87 पर चलते हैं और 87 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा, ठीक है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल प्रक्रिया याद करने की क्षमता से अधिक का आकलन करता है, आपको बताना है। 87 का राइट जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट करके दीजिएगा। हरित क्रांति की व्याख्या कीजिए, नहीं। चीनी उद्योग कैसे काम करता है, सही है। बुध और शुक्र के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह क्यों नहीं है, सही है। और हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझाएं, सही है। आपका बी सी डी दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। तो 87 का राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 88 पर। 88 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जब विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में संलिप्त हों, यह हिस्सा बन जाता है। 88 का राइट जवाब बताइए। तो यह अधिगम की तरह आकलन बन जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग, जब विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में संलिप्त होंगे तब, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 89 पर। 89 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? 89 का राइट जवाब कमेंट करके दीजिए भैया जल्दी से, ठीक है। तो 89 का आपका राइट जवाब क्या होगा, कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है, गलत है। देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को बढ़ा देना संभव है, उचित सिद्ध करें, ठीक है। हरित क्रांति ने खाद्य अनाज के संबंध में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है, व्याख्या करें, गलत है। हरित क्रांति ने भारत को मृदा आकर्षक की ओर पहुंचा दिया है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं, व्याख्या कीजिए। आपका डी, तो बी और डी आपके राइट जवाब हो जाएंगे 89 के। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर, 90 पर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधियों के सूत्रीकरण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्न में से किन पहलुओं को संज्ञान में लेना चाहिए? 90 का राइट जवाब दीजिए मेरे भैया। कह रहा है बच्चों को उनके अनुकूल और बाल केंद्रित तरीके से गतिविधियों में अन्वेषण और पर्यवेक्षण के माध्यम से सीखने दें, बिल्कुल सही है। बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चों को उनकी अपनी गति में सीखने दें, ये गलत है। जब वो गलत सीख रहे हैं तो आपको हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा। बच्चे के ज्ञान अंतःशक्ति और प्रतिभा का निर्माण करें, ठीक है। शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकसित करें, बिल्कुल ठीक है। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए सी डी आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। प्यारे मित्रों, आज भी हमने 30 क्वेश्चन किए, ठीक है। तो अब आप जो है लोगों ने ये जो 30 क्वेश्चन किए हैं आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, कितने लोगों ने कितना अच्छा आंसर किया है ये भी कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ से आपको एक रूपरेखा मिलेगी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका लेवल कहाँ पहुँचा है, अभी किन किन पॉइंटों को और थोड़ा सा आपको टच करना है। प्यारे साथियों, अब आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। प्यारे साथियों, जम करके एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपसे कुछ नहीं बस एक छोटा सा शेयर और एक लाइक मांगते हैं। प्यारे साथियों, प्रयास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।